The presence of God manifested in Azusa Street in those days of revival as pillar of fire as pillar of cloud as cloud and smoke

बहुत बड़े परमेश्वर के आश्चर्य का बहुत बड़े मिरेकल्स और हीलिंग्स और डेलीवरेंसेस होने लगे, हैं जहाँ लोगों को पता चल जाता कि परमेश्वर खुद एक जगह पर उतर आए हैं और वहां पर वो वास कर रहे हैं वेलकम टू द बाइबल स्टडी सीरीज इन दिनों में हम एफ एस के पत्रिका से हम सीख रहे हैं अध्ययन कर रहे हैं और ये परमेश्वर के वचन के भेदे आपके जीवन को रूपांतरित कर देगा यस दिस विल ट्रेमेंडियसली ब्लेस यू एंड योर लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन आज हम एफ की के पुस्तक उसके दूसरे अध्याय और 19 से 22 तक हम पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार प्रभु ये मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा क्रूस में जो लहू लहु ने बहाया और उसके द्वारा जो शत्रुता परमेश्वर और मनुष्य के बीच में था और यहूदी और जेंटाइल बैकग्राउंड से थे उनके बीच में जो शत्रुता थी उस दीवार जो अलग कर रहे थे उसे येसु ने अपने लहू के द्वारा उसे ढा दिया और सब लोगों को एक नए मनुष्य में परमेश्वर ने जोड़ दिया और एक बहुत बड़े मेल मिलाव का काम प्रभु यीशु मसीह ने किया सब लोगों को एक शरीर में वन बॉडी इन क्राइस्ट एक नया मनुष्य एक शरीर जो परमेश्वर की कलिशा है जो परमेश्वर की सभा है उसका फैमिली है उस प्रकार सब लोगों को परमेश्वर ने एक साथ लाया उसे हम सीख रहे थे और आज 19 पद से 22 पद तक भी उस वचन के प्रकाशनों को और डीप में ले जाते हैं दूसरे अध्याय उसके 19वें पद से पढ़ते हैं इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के गराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्य की नींव पर जिसके कोने का पत्र स्वयं ही है बनाए गए हो जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु एक पवित्र मंदिर बनती जाती है जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो यहाँ पर पौलस प्रेरित बोलते हैं एफिसियो के विश्वासियों आप ये समझिए कि अभी कोई भेदभाव नहीं यहूदी या जो जेंटाइल बैकग्राउंड से आपके बीच में कोई भी कॉम्प्लेक्सेस नहीं होना चाहिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए परमेश्वर ने उस बैर को नाश कर दिया है सबको एक कर दिया है एक बहुत बड़े रिकनसिलियेशन मेल मिलाव का काम कर दिया है इसलिए हमें अपने आइडेंटिटी को जानना है विशेषकर जो जेंटाइल बैकग्राउंड से आते हैं वो अपने आप को कम नहीं समझे वो अपने आप को छोटा नहीं समझे ये जान जाएं कि तुम अब विदेशी और मुसाफर नहीं रहे You are no longer strangers and aliens, but you are members of the household of God. You are the saints of God, and you are part of the house of God. Abhi, masi ke dvara, hum logon ke Sangi We are members of the household of God. Hum हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो गए हैं वी आर बिलोंगिंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ गॉड वी बिलोंग टू गॉड्स फैमिली हम परमेश्वर के भवन के हो गए हैं ये सोच ये प्रकाशन हमारे अंदर में होना जरूरी है और उस प्रकार से हम अपने आप को समर्पित करें लेकिन यहां से फिर बोलते हैं कि देखो अभी हम परमेश्वर के घर आने गए, लेकिन परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्लान है हमें परमेश्वर अपने मंदिर में कन्वर्ट करना चाहते हैं रूपांतरित करना चाहते हैं गॉड household of होल्ड ऑफ गॉड द फैमिली ऑफ गॉड इन टेम्पल विच डिस्प्लेस द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड पावर इन ऑल हिस्फुलनेस ऑन अर्थ तो प्रभु क्या चाहते हैं कि परमेश्वर अपने परिवार को अपने घराने को अपना मंदिर बनाना चाहता है जहां वो अपनी पूरी महिमा से अपने आप को प्रकट करना चाहता है वो परमेश्वर का निवास स्थान बन जाए यही परमेश्वर का प्लान है हाउस ऑफ गॉड बिकम्स द टेंपल ऑफ गॉड परमेश्वर का घराना परमेश्वर का मंदिर बन जाए पुराने नियम में हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो महिमा था परमेश्वर की उपस्थिति वो वाचा का संदूक वो मूसा के तंबू में था और उसके बाद फिर सलोमोन के उस मंदिर में और हिरो के मंदिर में था तो हाथ से बनाए गए इमारतों में मकानों में मंदिरों में परमेश्वर की उपस्थिति थी लेकिन नए नियम में मसीह लहु के लहू के द्वारा जो प्रभु मसीह पर विश्वास करते हैं हम परमेश्वर के मंदिर बन गए हैं नाउ वी बिलीव इन जीसस क्राइस्ट आर बॉर्न अगेन वी ऑफ गॉड हम जो प्रभु ये यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं कुलसी एक के 27 में हम पढ़ते हैं कि देखो परमेश्वर की महिमा वो हम में है क्राइस्ट द होप ऑफ ग्लोरी ड्वेल्स इन अस परमेश्वर की जो महिमा है जो अपने पुत्र में है वो हमारे अंदर में वास करती है हम परमेश्वर के मंदिर बन गए हैं हम लोग अकेले अकेले ही नहीं लेकिन परमेश्वर का प्लान क्या है परमेश्वर का क्या चाह क्या है कि अपनी कलिशिया विश्वासियों का जो समूह है विश्वासियों का जो परिवार है कलिशिया जो परमेश्वर का भवन है परमेश्वर का परिवार है वो उसकी मंदिर बन जाए तो एक सिक्के का एक साइड क्या है कि हर विश्वासी परमेश्वर का मंदिर है और सारे विश्वासी जब एक लोकल चर्च में आ जाते हैं हम परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं जहां परमेश्वर निवास करना चाहता है अपनी उपस्थिति अपनी महिमा और अपने उस तेज को पूरी तरह से वो प्रकट करना चाहता है वे इंडिविजुअली एज बिलीवर्स वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड एंड कॉर्पोरेटली एस ए चर्च वी बिकम द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड वे द ग्लोरी ऑफ गॉड इज अनवेल्ड इन ऑल फुलनेस

हर एक मकान का एक नींव होता है उसी प्रकार परमेश्वर की कलिशिया और हमारे परमेश्वर जीवन का एक नींव है एक बुनियाद है और परमेश्वर ने हमें प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं वक्ताओं की उस नींव में जहां पर प्रभु ये मसीह वो कोने का पत्थर है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव बीन बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ अपॉसल्स एंड प्रॉफिट्स वेयर जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ इज द चीफ कॉन्स्टोन तो ये बहुत बड़ी बात है जिसे हमें समझना है कि मसीह एशु ही वो सच्ची नींव है और दूसरा कोई नींव नहीं तीसरे अध्याय उसके ग्यारहवें पद में पढ़ते हैं क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह ईश मसीह है कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता दर इज ओनली वन फाउंडेशन एट फाउंडेशन इज क्राइस्ट जीसस दर इज नो अदर फाउंडेशन अपार्ट फ्रॉम क्राइस्ट जीसस एंड नो बड़ी ले एनी अदर फाउंडेशन अपार्ट फ्रॉम क्राइस्ट जीसस हाँ हमारे उद्धार के लिए हमारे मसीही जीवन के लिए परमेश्वर की कलिशिया के लिए ये मसीह को छोड़ वरन दूसरा कोई नींव नहीं ये हमें समझना है कोई संस्था एक नींव नहीं कोई परमेश्वर का दास नींव नहीं कोई टीचिंग्स नींव नहीं प्रभु ये मसीह और जो खरे उपदेश हैं जो प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने दिया है उस सच्चे नींव पर हमारे मसीह जीवन को हमें खड़ा करना है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो अदर फाउंडेशन अपार्ट फ्रॉम द फाउंडेशन दैट इज इन क्राइस्ट जीसस बिकॉज ही इज द वन हु डाइड एंड पेड फॉर अस ऑन द क्रॉस ऑफ कैलबरी कलशिया में पांच तरह की सेवकाया हैं जो अपॉस्टल प्रॉफेट इवेंजलिस्ट पास्टर्स टीचर्स हैं और बहुत से जो लोकल पास्टर्स, लीडर्स एल्डर्स डीकन सब हैं और विभिन्न प्रकार की सेविकाइया हैं और लेकिन ये हमें समझना है कि जो फाउंडेशनल मिनिस्ट्रीज़ हैं जो अपॉसल और प्रॉफेट्स हैं प्रेरित और जो भविष्यवक्ता हैं वो फाउंडेशनल मिनिस्ट्रीज हैं और कलिशिया के निर्माण के लिए कलिशिया की बढ़ोतरी के लिए कलिशिया अपनी परिपूर्णता में आने के लिए परिपक्वता में आने के लिए ये फाउंडेशनल मिनिस्ट्रीज का जरूरत बहुत अनिवार्य है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द फाउंडेशनल मिनिस्ट्रीज ऑफ अपॉसल्स एंड प्रॉफिट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिल्डिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट फॉर द बिल्डिंग अप ऑफ द चर्च इन इस फुल Potential in its full scope and its full maturity. And that's why the apostolic and prophetic understanding is very essential. So we have been built on the foundation of apostles and prophets, with Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. He is the chief cornerstone that holds every other thing together. Sub patron ko substructure ko ek milaka wale wo jo jo kone ka hai. शु मसीह ही है यशो मसीह के जो प्रेरित थे भविष्य वक्ता थे और जिनको परमेश्वर ने वचन का प्रकाशन अपनी बेदे अपने जो प्रमाण है दिए ये बहुत हमारे लिए अनिवार्य है एक उसके तीसरे अध्याय उसके चौदह और पंद्रह पद को पढ़े और पौलोस जो परमेश्वर का प्रेरित है अपने आत्मिक पुत्र त्रिमोतियो एफ एस कलिशिया के पासवान है उसको लिखते हैं कि देखो बहुत सतर्क रहे बहुत ध्यान दें यहां पढ़ते हैं मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखते पर भी मैं बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलिशिया है और जो सत्य का कंबा और नीव है कैसे बर्ताव करना चाहिए यहाँ पर पलोस जो परमेश्वर का प्रेरित है वो प्रेरिताई शिक्षा दे रहे हैं प्रेरिताई समझ दे रहे हैं वो सीख दे रहे हैं वो प्रमाण दे रहे हैं वो इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो परमेश्वर का घराना जो जीवित परमेश्वर की कलिशिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है लोग जाने विश्वासी लोग जाने हमें अपने ईश्वरीय जीवन को मसीह जीवन को किस प्रकार जीना है और परमेश्वर के भवन में कैसे बर्ताव करना चाहिए सो हियर पॉल इज इंस्ट्रक्टिंग तिमोथी एंड इज गिविंग एपिस्टोलिक अंडरस्टैंडिंग टीचिंग्स रेवलेशन इंस्ट्रक्शंस एंड कमांडमेंट्स ऑफ हाउ द हाउसहोल्ड ऑफ गॉड मस्ट फंक्शन फॉर द हाउस ऑफ गॉड व्हिच इज द चर्च ऑफ द लिविंग गॉड इज द फिलर ऑफ ट्रूथ एंड द फाउंडेशन ऑफ ट्रूथ चर्च दिलर एंड फाउंडेशन ऑफ ट्रूथ परमेश्वर की जीवित कलेशिया जो परमेश्वर के सच्चाई का खंबा और फाउंडेशन है 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 नींव इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम जाने कि जो फाउंडेशनल मिनिस्ट्रीज है प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की जो फाउंडेशनल मिनिस्ट्रीज हैं कलिशिया के लिए कितनी जरूरत है कितना इंपॉर्टेंट है कि हम इसे समझें एक बात ये कि हमें प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के उस नींव में हमें अपने मसीही जीवन को खड़ा करना है बनाना है एंड एपिस्टोलिक प्रोफेटिक डॉक्टर टीचिंग्स अंडरस्टैंडिंग्स आर सो एसेंशियल और उसी समय प्रेरिताई और भविष्यवक्ताओं के उस अधीनता में होकर उस ओवरसाइट में होकर अगर हमारी मसीही जीवन और हमारी कलिशाएँ बढ़े, तो वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है और कलिश्य अपने पूर्ण मेच्योरिटी में पूर्ण पोटेंशियल में पूर्ण प्रभावशाली रूप से आने में वो काम में आएंगे और इक्कीसवें पद में हम ये पढ़ते हैं जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो तो यह पवित्र आत्मा क्या कर रही है पवित्र आत्मा अपने लोगों को जो प्रभु यशु मसीह को विश्वास करते हैं हम सब को जो परमेश्वर के भवन कहलाते हैं जो परमेश्वर का परिवार है हमें परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में वो कन्वर्ट कर रहे हैं बना रहे हैं ताकि परमेश्वर का निवास स्थान हम पृथ्वी पर बन जाए अभी हम एक तीसरे अध्याय उसके सोलह और सत्रह पद को पढ़ेंगे क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम है। हर विश्वासी जिसने परमेश्वर प्रभु इस मसीह को अपने उद्धारकर्ता करता प्रभु के रूप में स्वीकार किया है हम परमेश्वर के मंदिर बन गए हैं और परमेश्वर का मंदिर पवित्र है जिसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है एक उसके छठे अध्याय और 19 और 20 पद में भी हम यही पढ़ते हैं क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है हाँ और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो

तो यहाँ पर पवलोस विश्वासियों को समझाते हैं जान जाओ कि पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति तंबू और हाथ से बनाए हुए इमारतों में थे लेकिन नए नियम में यश मसीह के लहू के द्वारा कालवरी क्रूज के उस बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर के मंदिर बन गए हैं और हम जो परमेश्वर की कलिशिया है परमेश्वर का परिवार है हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर में हम कन्वर्ट हो रहे हैं हम रूपांतरित हो रहे हैं हमें पवित्र आत्मा बना रही है ताकि परमेश्वर अपनी पूरी महिमा के द्वारा हमारे बीच में वास कर सके एक पत्रोस, उसके दूसरे अध्याय उसके चार और पांच पद को पढ़े और वहां पर प्रेरित पत्रोस भी विश्वासियों को ये प्रकाशन देते हैं उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक बनते जाओ जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो तो एश मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है देखो मैंने सियोन में कोने के सिरे को चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धराता हूं और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा और यहां पर पत्रुष बताते हैं कि देखो मसी यशु ही वो कोने का पत्थर है वो चीफ कॉन्स्टेबल है जिनको यहूदियों ने इनकार कर दिया टुकरा दिया देखो में कोने के सिरे का चुना हुआ वह बहूल्य पत्थर और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहमूल्य है पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राज मिश्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और जिस प्रकार से हम जानते हैं कि यहूदी लोग फरीसी लोग सदुकी लोग और जो महापुरोहित लोग थे उन्होंने यशु मसीह को पहचाना नहीं स्वीकारा नहीं उन्होंने निकम्मा टहराया उन्होंने उन्हें रिजेक्ट किया लेकिन यशु मसीह ही परमेश्वर का वो होने का पत्र है जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ इज द चीफ कॉर्स्टोन और हम जो प्रभु यशु मसीह को स्वीकार करते हैं हमें पवित्र आत्मा क्या करती है पांचवे पद में हम पढ़ते हैं तुम भी आप जीवते पत्रों के समान आत्मिक गढ़ बनते जाओ जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के लिए ग्रहण हो यीशु मसीह वो कोने का पत्थर बन गया और हमें जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन जीवित पत्रों के समान हमें यीशु मसीह के साथ जोड़-जोड़कर एक परमेश्वर का मंदिर एक आत्म ग्रह बनाते हैं और उस ग्रह से हम परमेश्वर की आराधना स्तुति और जो जो प्रभु मसीह मसीह को महिमा दे, जो के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो कितना बड़ा प्लान है कितना बड़ा उद्धार है कितना बड़े उद्धार का काम परमेश्वर ने किया है परमेश्वर के बेटे और बेटियां परमेश्वर के जान परमेश्वर का परिवार परमेश्वर का घराना आप परमेश्वर का मंदिर बन गया है और परमेश्वर अपने घर में पृथ्वी पर हम परमेश्वर के भवन बन गए हैं जहां पर परमेश्वर वास करता है हम उसके निवास स्थान बन गए वे बिकम द ड्वेलिंग प्लेसेस ऑफ गॉड ऑन अर्थ वेयर गॉड कैन लीव एंड मूव एंड मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन ऑल हिज ग्लोरी यही परमेश्वर का प्लान है परमेश्वर अपने आप को हमारे बीच में पूरी तरह से प्रकट करना चाहता है कि कलिशिया उसका निवास स्थान हो द चर्च वुड बिकम द हैबिटेशन ऑफ गॉड एंड दैट्स द हार्ट एंड प्लान ऑफ गॉड इसलिए यही हम देखते हैं जब बेदारी होती है रिवाइवल्स होते हैं जब परमेश्वर की आत्मा को बहुत बड़े से उंडेला जाता है जिस प्रकार से असूसा स्ट्रीट में हम जानते हैं जहां पर परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई तो वहां आग के कंबे के समान वो मेघ के कंबे के समान परमेश्वर का जो दुआ परमेश्वर की जो भारी उपस्थिति उसकी कबोत उसकी शिखाइना परमेश्वर की कलिशिया में प्रकट हुए वेर हाउस ऑफ गॉड वॉज टर्न इंटू अ टेम्पल वेर देंस ऑफ गॉड वॉज सो ऑसम द Presence of God manifested in Azusa Street in those days of revival as pillar of fire, as pillar of cloud, as cloud and smoke, and the weighty presence, the Shekinah and the kabod of God. But ki upasthi itne mahan roop se waha prakat hoge, aak ke kambay ke saman, us meg ke saman, us duwe ke saman, us os ke saman, aur jab ki upastri, us se prakat hoti, to waha par bahut bada manfrab, bahut bada anudab. बहुत बड़े परमेश्वर के आश्चर्य में बहुत बड़े और और हीलिंग्स मेरे और होने लगते हैं जहां लोगों को पता चल जाता कि परमेश्वर खुद द प्लान एंड गॉड एंड हार्ट ऑफ गॉड हाउ गॉड वीपल इन एन अनवेल्ड मैन वेर ही कम्स विद ऑल ग्लोरी एंड पावर तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारी आंखों को खोल रहे हैं हमें ये पहचान ये भेद प्रकट कर रहे हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है इन अंत के दिनों में परमेश्वर चाहता है पृथ्वी पर जो उसका परिवार है उसकी कलिशा है वो परमेश्वर का मंदिर बन जाए जहां पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर सकता है वो परमेश्वर का निवास स्थान हो जाए द चर्च बिकम्स देशन ऑफ गॉड एन ओपन डिस्प्ले फॉर एवरी वन टू सी दू गॉड लिवस इन दिक्सल परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहता है वो वॉश करता है और पूरी दुनिया उसको जान जाए उसको देख सके उसको जान सके परमेश्वर ने अपना घर अपना लोगों के बीच बना दिया है गॉड्स रेसिडेंशियल एड्रेस ऑन अर्थ इज हिस पीपल एंड चर्च कितनी बड़ी योजना है कितना बड़ा प्लान है परमेश्वर का कितना बड़ा चाह है हम उसे समझें हम अपने आप को समर्पित करें और ये वचन के बेदे और प्रकाशनों को हम बार बार सुने ताकि हम जान जाएं कि परमेश्वर क्या चाहता है और उस प्रकार हम अपने आप को और हमारी कलिशियाओं को हम बढ़ाए May God bless you with the teaching of these words and may they change you and revolutionize your life in these end times. God bless you.